नमस्कार जी, मेरे पीछे जो आप धूप देख रहे हो ये अगली बार नहीं होगी। और ये बात मैं इतनी कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जो टेक्निक आपके साथ डिस्कस करूँगा उसको अपना के मैंने मेरे यहाँ फार्म के कई खेतों की धूप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। या जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी धूप थी वहाँ कुछ कुछ एक एक दो दो स्क्वायर फीट के कुछ कुछ पेचेस बचे हैं, बाकी वो धूप कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। और मैं धूप के लिए जो मैं टेक्निक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, या मैं बहुत कोई नई टेक्निक नहीं बता रहा हूँ, कुछ अनुभवी लोग बहुत पहले से इस बात को जानते हैं, बस मेरे इस बताने से और मेरा खुद का अनुभव से आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और कुछ बेसिक्स हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं कि मतलब क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने ये धूप जो ख़त्म की है मेरे फार्म के उधर की साइड में कुछ खेत हैं, और मैंने आज के एक दो साल पहले एक मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था जिसमें ट्रैक्टर चलता हुआ और डीप प्लोविंग करता हुआ का एक वीडियो है। वो ये खेत है और उसको आप देखोगे पोल के पीछे का खेत है तो शायद आप आइडेंटिफाई भी कर पाए। उस खेत में कम्प्लीटली धूप ख़त्म हो गई है। और भी ऐसे दो चार खेत हैं जिनकी हर साल हम दो चार खेत ऐसे लेते हैं। क्या करना चाहिए आपको धूप को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए? आपको आपकी रबी की फसलें कटने के बाद में अप्रैल लास्ट में या मई के अंदर आपको खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए। और गहरी जुताई करोगे तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपकी धूप चली जाएगी। किस केस में चली जाएगी, किस केस में नहीं चली जाएगी, उस चीज़ की अपन बात करते हैं। आपको गहरी जुताई खेत में ऐसी परिस्थिति में करना है जब आपके खेत में लगभग 50% के आसपास मॉइस्चर हो, नमी इतनी हो कि 50% के आसपास नमी हो। और मतलब उसमें आप जब जुताई करो तो आपके खेत में ना तो बहुत बड़े बड़े ढेले बने और ना मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए, जैसे इस केस में मिट्टी भुरभुरी हो रही है। और मेरे को ये मॉइस्चर का लेवल ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने ट्रैक्टर को भेज दिया। शायद देख रहे होंगे वो वहाँ से कि जा रहा है, ट्रैक्टर को दिख रहा कि नहीं पूछा पता नहीं, लेकिन ट्रैक्टर मैंने यहाँ से फील्ड से भेज दिया है क्योंकि ये मॉइस्चर का लेवल ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ये ढीले तो नहीं बन रहे लेकिन नमी इतनी ज़्यादा है, लड्डू बन रहा है मिट्टी का एकदम से। और ये पूरी मिट्टी यदि इस मॉइस्चर पे, मुझे लगता है कि यदि मैं खेत में जुताई कराऊंगा, गहरी जुताई कराऊंगा, तो मुझे वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? इसके पीछे प्रिंसिपल ये है कि बॉस, आपके जो डीप प्लोविंग आप करवाते हो इसमें जो 50% ऑफ अवेलेबल वाटर का जो डिप्लीशन होता है, यानी इसमें उस टेक्निकल टर्म में नहीं उलझे अपन, ये समझें कि इतनी नमी हो कि बहुत बड़े बड़े ढेले भी नहीं हो बने और इस तरह से मिट्टी भुरभुरी भी नहीं हो, यानी छोटे छोटे ढेले बने, इतने कितने कैसे कैसे ढेले अपने खेत में बने ताकि आपके गर्मी के अंदर जो आपका टेम्परेचर का फ़ायदा आपको जो मिलेगा वो आपको मिल पाए। क्योंकि यदि इतने इतने ढेले रहेंगे तो हवा आपके नीचे तक, जहाँ तक आपकी जुताई होगी वहाँ तक हवा जाएगी और उस गर्म हवा की वजह से जो आपकी धूप की जो रूट है वो मतलब एकदम से सूख जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आपको पीछे से धूप को उठाने की और वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले वाले जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके अंदर तो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट शायद इसलिए भी मिला कि जैसे गेहूँ कटा, मैंने गेहूँ कटते ही उसमें ग्लाइफोसेट का स्प्रे किया, और ग्लाइफोसेट चूँकि अभी बैन हो गया है, ग्लाइफोसेट का स्प्रे किया, अच्छा डोज लिया, एकदम 70 गिला इसको किया, और शाम के टाइम में मैंने ग्लाइफोसेट किया, क्योंकि दिन में यदि हम करेंगे तो वो नमी रहती नहीं है और वो उड़ जाता है ना, उतना अच्छा वो काम नहीं करता। मैंने शाम के टाइम में जब खेत में थोड़ी मतलब शाम के टाइम में थोड़ी मॉइस्चर जब हो उस टाइम में मैंने उसका ग्लाइफोसेट का स्प्रे किया और 15 दिन के लिए मैंने वेट किया और उसके बाद में मैंने जुताई की और मेरे को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। अभी ग्लाइफोसेट बैन है और उससे ग्लाइफोसेट से फ़ायदा क्या हुआ कि ऊपर का पोर्शन जल गया और नीचे तक सिस्टम में जितना जहाँ तक जा सकता था ग्लाइफोसेट वहाँ तक जाके उसने पौधे को मारा और उसके बाद में मैंने ऊपर से जुताई कर ली तो वो मेरे को फ़ायदा। कुछ सालों में आपको इसका फ़ायदा ना भी मिल सकता है। वो ऐसे केस हो सकते हैं आपने जिसमें बहुत अच्छी गर्मियाँ नहीं पड़ी थी और सॉरी 22 में तो बहुत अच्छी गर्मियाँ नहीं पड़ी थी, उसकी वजह से आपको गहरी समर डीप प्लोइंग का, गहरी जुताई का उतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिला। तो ऐसे केस हो सकते हैं कि मान लो आपने गहरी जुताई कर दी, बारिश हो गई, उतना अच्छा आपको हाई टेम्परेचर का फ़ायदा नहीं मिला, तो उस वजह से हो सकता है आपको रिजल्ट नहीं मिले।
लेकिन मैंने जो किया है मेरे को इसका रिजल्ट मिला है। और यदि आप करेंगे एक दो साल कर लेंगे तो आप कम्प्लीटली धूप को ख़त्म कर सकते हैं। आप इसको केमिकल से, मैं समझता हूँ इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। समर डिप्लोविंग एक बहुत अच्छा इसके लिए ऑप्शन है, लेकिन वो प्रॉपर मॉइस्चर पे होना चाहिए। यदि आप में का खेती में उतना अच्छा एक्सपर्टाइज नहीं है तो आपके आसपास जो भी पुराने अनुभवी किसान हैं उनसे आप इस बारे में राय ले सकते हो कि आप हम कब से जुताई करें कि इसका समर डिप्लोविंग का हमें अच्छा रिजल्ट मिले। उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। नमस्कार।